सो एवरीवन, तो वो ये वीडियो है जिसका आप वेट कर रहे थे अब तक। मैंने बहुत पहले कहा था यार कि मैं ये वाला वीडियो जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है प्लस हार्ड वर्ड्स की मीनिंग वाला जो वीडियो है वो चैप्टर एंड होने के तुरंत बाद डाल दूंगा, बट बहुत ज़्यादा हैक्टिक सिचुएशन हो गया है यार। क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्कूल वालों की भी, कॉलेज वाले हमारी ले रहे हैं, बट अब आपके स्कूल ख़त्म हो गया, ओवर हो गया, आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, बट हमारे एग्ज़ाम्स तो हमें देने पड़ेंगे ना। लेकिन अब से मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि आपको एक से दो दिन के गैप में आपको एक वीडियो मिल जाए क्लास 11 की पर्टिकुलरली। तो ये वीडियो की मैं बात कर लेता हूँ। अभी मैं पीडीएफ बना रहा था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। अब मैं पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ पहले ये सुन लो, क्योंकि यार देखो मैंने सोचा कि मैं वीडियो क्वेश्चन आंसर में बनाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, फिर टाइम दूंगा, फिर आपको आंसर बताना होगा। तो मुझे इससे लगा ना कि 11th 12th में ऐसा नहीं होता, क्या बच्चों वाला गेम खेलना, तो आपको पूरा एनसीईआरटी पीडीएफ मैंने दे दिया है। ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शुरुआत से चैप्टर शुरुआत से लेके लास्ट तक जितनी चीज़ें आपके टीचर करवाएगा वो सारी चीज़ें इसमें लिखी पड़ी हैं। आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने लैपटॉप या अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसे सेव करो कहीं और एक फोल्डर बना लो क्लास 11 इंग्लिश। अब उसमें ये चैप्टर वन का पूरे जितनी भी हमारी स्टडी रिसोर्सेज है इसको आप रख लो, फिर मैं चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगा और उसकी भी मैं कुछ रिसोर्सेज दूंगा, उसको भी रखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ताकि मैं अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 11 के लिए डालूं तो आपको वो मिल सके। क्योंकि यार देखो इंग्लिश के लिए एकदम एक्यूरेट आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, तो ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सेकेंड थिंग, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यार, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे सर कि मेरे रिजल्ट का क्या है, कब हमारी डेट सेट एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें डाउट्स थी उन लोगों के मन में। मैं आपको बता दूं यार, सिंपली एज अ टीचर मैं इतना जानता हूं कि क्लास 10th में तुम में से कोई भी फेल नहीं होने वाला है, तो चुपचाप यार क्लास 11 जो हमारी स्कूल वाले या ऑनलाइन जो हम लोग भी कई चैनल्स हैं, कई अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो आपको बहुत सारी यूज़फुल कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसे पढ़ो यार, क्योंकि 90-95% चांसेस है आप पास हो जाओगे। बहुत रेयर केस में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा क्लास 10th का, तो बेटर है ना कि हम अपने अगले वाले क्लास का प्रिपरेशन करें, ताकि हमें बहुत ज़्यादा जो हमें एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है वो एग्जरेट हो जाते हैं ना यार कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए यार तो लाइक बटन करना और सब्सक्राइब करके छाना चैनल को। तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस लाता रहता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।